अब दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? साइन एक्स माइनस टू क्या बन गया? कोसाइन प्लस वन बराबर ठीक है। अब बारी बारी से क्या हो गया? फैक्टर जीरो साइन एक्स माइनस टू बराबर साइन एक्स बराबर। अब बताओ साइन कितना का मान होता है? आदमी प्रयास करता है और कभी कभी वो चाहता है कि अच्छा हमारे नसीब में आ जाए लेकिन गड़बड़ा है। तो हम लोग प्रयास किए इसका मान निकालने का, मान निकला भी लेकिन मान के अंदर वैल्यू लाए इसलिए कि साइन का मान दो का बराबर हो ही नहीं करता है। गलत रिलेशन आया संभव जो होगा वैसा हम काम करेंगे। इम्पॉसिबल लिख देते हैं यह असंभव है क्या जी? हम वह फैक्टर बाय किए तो हम लिखेंगे वे टू साइन एक्स प्लस वन बराबर। अब यहां से बताइए साइन एक्स बराबर अच्छा माइनस आ गया। जब भी साइन कोसाइन टैन कॉट आ जाए माइनस सिखाई में तो उसका आसान तरीका उन्हें सिखा रहे थे कि आप सोचिए कि साइन कितना का मान एक बगल को जितना का होता है उस एंगल में माइनस कर देते हैं यानी कि लिख देंगे साइन माइनस पाई पाई। अब आ गया साइन बराबर साइन एंगल बराबर एक पाई नहीं है कहाँ है पढ़िएगा वहां तो हो जाएगा जब संभव नहीं तो कैसे मालूम पड़े साइंस का मान टू के बराबर हो नहीं करता इसमें पुनः कर दिए तो ठीक है और पुनः करने का माइनस कॉमन लेकर उधर में ठीक है माइनस कॉमन क्यों लिए बॉल बोला तब जो है ना माइनस हो जाना तो माइनस कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा समझे?